हेलो दोस्तों, वेलकम बैक. दिस इज क्रेजी ऑर्डिनरी. यू आर वाचिंग पार्ट 6 ऑफ डिलीवर अस द मून. लास्ट वीडियो में हमने एक्सेस पा लिया था इस स्टेशन के अंदर. उसके बाद हम इंस्पेक्ट कर रहे थे कि कैसे सैरा और आइसेक ने अपने लास्ट दिन यहाँ गुजारे. वो जिंदा है कि नहीं, वो अभी भी एक कन्फ्यूजन है. You are out of options, but we are not. How is it possible? मतलब 5 साल पहले वो ये नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर पा रहे हैं, है ना? कुछ नोट्स या कहीं पे आगे कहाँ जाना है कुछ बताएगा? अच्छा, इस पे हम बैठे ही नहीं. Diagnosis. Do the diagnosis. MPT reserves close to overload. अभी वापस रिएक्टर बन रहा है क्या? ओके, अब हीलियम से लाना है. ओपन स्टोरेज. चेंज हुआ ऑब्जेक्टिव. हीलियम स्टोरेज की तरफ बढ़ते हुए स्लिपरी फ्लोर्स है. हाँ, एकदम चिकना फ्लोर्स है एकदम. ये क्या कंट्रोल सेंटर? नहीं, यहाँ पे आउटवर्ड. ओके, पानी ही पानी. बिजली का झटका नहीं लगेगा? ओके, सो ये आउटवर्ड उनका प्लान है. A malfunction has occurred around Tomborg employees in your area. Resistance may be met with force only if absolutely necessary. और जो necessary हो गया. क्यों? क्योंकि वहाँ ने control center से बता दिया कि they are doing something malicious. तो इन लोगों को मारना पड़ा उनको. और ये लोग helium storage लेके सारे canisters लेके designated mono rolls पे पहुँच जाएंगे ऐसा. फिर east unit का wait करेंगे. ईस्ट यूनिट एम्प्लॉयज को क्रू क्वार्टर्स में लेके जाएंगे. फिर लिमिट पर्सनल आइटम्स, ओनली एसेंशियल सप्लाइज विल बी अलाउड ऑन आर्क्स. आर्क्स उनके स्पेसशिप्स का नाम है और आउटवर्ड इस मिशन का. बोर्ड दी एम्प्लॉयज ऑन मोनोरेल, देन एस्कॉर्ट देम टू कॉपरनिकस मून हब, जहाँ पे वो मीटिंग हुई थी, जहाँ पे मैकआर्थर ने बताया था सब कुछ. सो वो इवैक्यूएशन क्रूज जो हमने देखे राइनहोल्ड पे और कॉपरनिकस आउटपोस्ट पे, राइनहोल्ड वाले ने तो अच्छा किया था, रोक दिया उनको. 3 घंटे बाद होगा ये. ठीक है, सो ये है आउटवर्ड. कैमरा पानी के अंदर चला गया. जाना हमें है यहाँ. वेट, कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? लग तो नहीं रहा है वैसे. नोटपैड्स बड़े इंफॉर्मेटिव है ना यहाँ के, इसके और पीछे कहीं जा नहीं सकते. सो वेट, यस, देखा, मॉनिटरिंग कर रहे हैं ये लोग. ओके, देख रहे थे कि बाकी लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है. व्हाट इज दिस? सारा बेकर, लीड इंजीनियर, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल. शी इज अ थ्रेट. सारा इज अ थ्रेट. ये हम हैं? हाँ, ये हम हैं. ओके, लाइफ फीड है. बट यहाँ का लाइफ फीड क्यों देना है भाई, कहीं और का दो, है ना? सो मॉनिटर कर रहे थे. सिचुएशन जब ख़राब हुई, जब उन्होंने उन्हीं के एसी मॉडल्स के पीछे जो हैक किया और उनको बड़ूम ब्लास्ट कर दिया. What a waste of water. People would kill for this on Earth. It's coolant. Water used for cooling the reactor. Some of the pipes must have burst. You think MacArthur left any helium? He wouldn't be so careless. But we should check, just to be sure. Go ahead, I'll join you in just a moment. Wait, where are you going? I'll assess the damage further on, see if the cooling is still operational. I'll be right back.
इतना दूर हम जा नहीं सकते। वेट, हम आए कहाँ से थे? यहाँ से, राइट? सो ओके, तो एंट्रेंस खुल गया आई गेस। यस, वो क्या रबर डक है? हाँ, फाउंड यू, ईस्टर एग रबर डक। फनी लोग, फनी। निकी, जूलिया, ये लोग कौन है? न्यू पीपल आई गेस, इनके बारे में हम नहीं जानते। इतना सारा पानी, मतलब अर्थ में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पानी भी नहीं है। ये क्या है? बैटरी, टेम्पररी स्टोरेज, और वो एकदम अपनी कैपेसिटी पे आ चुका है। ऐसे को पता था ये, बट उसने करना पड़ा एज अ लास्ट रिसोर्ट, है ना? एकदम फुल ऑन बैटरी को रिलीज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से वायलेंटली वो शुक हो गया। अगर अगर वो नहीं होता तो शायद से ये लोग बच जाते, है ना? उप्सी डुप्सी, ये क्या है? आई हैव नो क्लू। स्टोरेज लॉकडाउन, ओपनिंग डोर। होली हेल, इतना सारा हीलियम खाली है ऑलमोस्ट, आई थिंक सो। कैनेस्टर C5, एक बचा है, एक बचा है खाली एक, क्योंकि वो रिपेयर करने में डाला था, उनके पास इतना टाइम नहीं था। बाकी सब लेके चले गए वो लोग। हमको कहाँ जाना होगा फिर? यहाँ से बाहर? आई डोंट थिंक बाहर जाना होगा, फिर वापस आना होगा घूम के, अगर रास्ता सही नहीं है तो। नहीं यार, गलत जगह जा रहे हैं। या स्टोरेज में ही जाना है ना, हीलियम तो लेके आना है। बाहर जाएंगे तो कैसे मिलेगा? अर्थ में पानी की कमी है। वाह, एकदम एपोकलिप्स पे आ गए वहाँ पे। देखो भाई, कोई रास्ता दिखे तो वहाँ जाने का, या फिर मैं हड़बड़ी में कुछ मिस कर गया आई गेस। वही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। ओह, सीढ़ी थी आगे। एज ऑलवेज आई एम एन इडियट इन छोटी छोटी बातों पे। तो क्या किया जाए इनका? हम, ओ वो भी है एक, नहीं और भी है शायद से कंटेनर्स। हाँ, सीधे ही जाना है। स्टेयर्स, ओके। एक बाहर भी था एक्चुअली, एक यहाँ है एक बाहर है, ये खाली है आई गेस। ओ, इसको कनेक्ट कर सकते क्या? अभी कुछ है ही नहीं उसमें, तो क्या कनेक्ट करेंगे? पर यहाँ पे तो सीढ़ी भी है, तो इसकी ज़रूरत है। यहाँ सीढ़ी नहीं है, यहाँ जाने की ज़रूरत है। आई वॉज रॉन्ग, दोनों तरफ सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है?
पावर चाहिए इस जगह को आई गेस, बट पावर का कोई पोर्ट तो नज़र आ नहीं रहा मुझे, से पावर सेल नज़र आ रहा है वहाँ पे। अच्छा वहीं डालना है, ठीक है सही है। इतना भी नहीं कूद सकते क्या रे? ग्रैब इट, ग्रैब इट। This won't work like this. मेरे हिसाब से उसको पावर एब्जॉर्ब करवाना है। आई थिंक सो। नहीं कुछ हो सकता है क्या? कुछ तो करो यार। ना ये तो नहीं होने वाला। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो कूदेंगे तो मरना ही है, तो पक्का है। उसके अलावा क्या दिख रहा है यहाँ पे? बाय बाय दुनिया, सुसाइड। क्या करें? थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी भी हम इसी दुविधा में फंसे हैं कि किस तरीके से इस जगह को पार किया जाए, और फिलहाल हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो हम चले आए यहाँ। वेट, नोटिफिकेशंस बंद। यस ओके, यहाँ कुछ क्लू अगर रह गया हो तो बेटर, लेट अस चेक इट आउट। इज दिस समथिंग रिलेटेड है क्या ये? आई गेस इसके सारे बल्ब एक्टिवेट करने होंगे बाद में, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि वैसे भी इसमें कुछ इंट्रैक्शंस है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए है ये। ये कह रहा है ओपनिंग डोर्स, डोर्स तो ओपन हो गए। इसके पार जा सकते हैं क्या? कुछ तो होगा, होना चाहिए। होगा नहीं, होना चाहिए। क्या करे भाई, तुम ही बताओ। हाँ कुछ कहोगे? इसका कुछ कहा जा सकता है? ये आधा निकला हुआ है,
जो रिपेयर में है. नोप. हीलियम 3, हीलियम 3. नहीं नहीं है कुछ. रिएक्टर कूलिंग इररिलेवेंट है ये तो. इसको पुलिया पुश करके कुछ होता है? नोप. सो दिस इज नॉट यूजफुल. आगे बढ़ना पड़ेगा. वो दरवाज़ा बंद है. इशू वो है. और पानी ड्रेन करने का कुछ तरीका मालूम हमें है नहीं. की बात होती है तो ऐसा कुछ अटैचमेंट होगा क्या? आई डोंट थिंक सो. ये ऐसे काम करने नहीं वाला. ऐसे थोड़ी चलेगा यार ये. अच्छा वेट, अगर मैं इसको ऐसे ही. इज दैट सो सिंपल? सीरियसली आई डोंट थिंक सो. इतना सिंपल होगा कि इसके ऊपर यहाँ से चढ़ जाऊँ. ओके. मतलब एकदम छोटा सा लॉजिक लगाते हैं ये लोग. है समझने में मेरे पिज्जे से ब्रेन को थोड़ी दिक्कत होती है. गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत बोला. गिरना मत. नाइस नाइस. अभी यहाँ कुछ है? यस यस यस. सिस्टम इज लॉक्ड. रिबूट ऑल द सिस्टम्स. चलो दिमाग लगाया बाद में. इट बिकेम क्लियर कि क्या करना है. सिस्टम नॉट नॉमिनल. ऑफ कोर्स नॉट नॉमिनल. इलेक्ट्रिसिटी बंद करो फिर कुछ पता चलेगा ना. क्या हुआ यहाँ पे? पावर. अभी शॉक्स नहीं लगेंगे क्या? शॉक्स तो लग रहे हैं. सो क्या करना चाहते हो? ओह थोड़े टाइम के लिए रुक गया ऐसा. ईश. जल्दी 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 जल्दी. कब शुरू होता है ये जरा देखने दो. ओके जब ब्लू वाला नीचे आएगा तब. हाँ क्योंकि उसमें से एक्टिव पावर निकल रहा है तो वो जब भी आता है तब यहाँ पे शुरू हो जाता है. अरे उतरो रे. उप्स 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 उप्स. यस स्टोरेज स्टोरेज. ओके ये क्या है? टूटा फूटा माल है क्या? कुछ बड़े ही अजीबो गरीब. मतलब हाँ ऑब्वियसली मशीन्स वगैरह हैं. ये इतना छोटा सा उसके ऊपर क्या करता है ये? आई डोंट नो. ड्रिलिंग समथिंग. और ओके इतना बड़ा डिवास्टेशन. और ये ट्रेन मोनोरेल यहाँ पे आके गिरती है. कुछ कुछ और है क्या यहाँ पे कंसिडरेबल ऐसा कुछ जो देख सकते हैं हम? मे बी ये डॉक्यूमेंट जोएन सीरा बेकर. ऐसा तो क्या ढूंढ के दिया उसको जो उसने तुम्हारे लिए कस्टम सूट बना दिया. थोड़े से पर्सनल टचेस हैं इसमें. बाकी तो इस स्टोरी में इस कैरेक्टर्स के बारे में ही है.
हाँ वैसे अभी तो लॉजिक समझ में आ गया कि रैम करना है। ऐसे ही हमारा वाला तो नहीं है ना? नहीं, क्या हुआ था यहाँ पे जरा कोई बताओ। लोड कर रहे थे जब Isaac? Hey, they took it all. Storage is empty and what's going on? Stay there. I just need to Is that helium? No, it's Sarah. It's for Kathy. Okay, she's waiting. She's on the ark. And I just need to get this to her. Isaac, what are you talking about? Three. We made three arcs for Outward. Yeah, they're gone. No. In the end, there was only enough fuel for two arcs. So MacArthur moved the sick, the cryo patients, to the last one. And Kathy's, she's still on the ark, stuck here on the moon. Oh my God! But with this, I can. Isaac, I'm sorry, but Earth is our first priority. इसके लिए नहीं ना, but beyond saving, Sarah. With or without the MPT, our only hope, Kathy's only hope, is Outward. Listen to me. We cannot give up on Earth. It's our home. Kathy's home. And think about Claire. She's made her decision, and I can't go back to Earth. But with Kathy and Outward, there's a chance to start over, a new dawn. We do what we must to keep them safe, even if they don't understand. But we can be wrong, Isaac. Said it yourself. He's going mad. MacArthur's wrong. Sarah. Outward is wrong. Sarah. Everything about this is. Oh no. What? You must understand. I have to go. So end में Isaac also did the same thing. Alex, access that terminal. Send it off. क्या किया Alex? Isaac. No. Sarah, don't do this. Can't let you take it. No. पागल हो गए आप। कोर्स ऑफ साइंस, इंसानियत भूल गया है कि सब प्रैक्टिकल रीजन नजर आता है। सर, व्हाट हैव आई डन? अब रियलाइज हो रहा है। ओके, स्टे विद मी। आई एम सॉरी आइज़क। ओके, कम सो सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके। क्या जरूरत थी ऐसा करने का? Even if you'd hate me for it. आप ही के वर्ड्स आप ही को बोले। Listen to my voice. Don't close your eyes. Hey, buddy. Sarah. Hey, Sarah. No. Almost there. No. Sarah. Oh my God, इतना It's okay. इतना emotional I'm so sorry. I'm so sequence. Sorry. Alex, no one needs to see this. ऐसा आपको लगता है देखना बहुत जरूरी था? सारा इज डेड अनफॉर्चुनेटली। रॉल्फ का मिशन जो था टू सेव हर हैज फेल्ड। सो इस मोनोरेल को उन्होंने इतनी हाई स्पीड से भेजा कि वो सब कुछ तोड़ दिया उसने, है ना? बट उसके बाद कुछ किया गया है यहाँ पे और कुछ नया सा बनाया गया है। हमें इसके अंदर वाली चीज़ तोड़नी है, मतलब सामने जो हमारे दिख रहा है, मतलब इसको रिलीज़ करना है किसी तरीके से। आई गेस वही रास्ता है कि वो सामने की दीवार तोड़ के ये बाहर निकल जाए।
क्योंकि पहली बात तो ये है कि हीलियम जो चाहिए वो अंदर है, वो हमें मिलने नहीं वाला, और आइसैक ने फिर कुछ किया नहीं उसका, क्योंकि अगर उसके पास एक्सेस होता तो वो उस केथी को ही बचाता, उसकी बेटी है ऑब्वियसली। वेट व्हाट, ओके कुछ ये पावर वो है वेट वाला, कुछ वेट वाला लाना पड़ेगा आई गेस। सैड स्टोरी बना दिया पूरा, नॉट गुड। अच्छा तो नहीं हुआ, दैट्स फॉर श्योर, मतलब क्या ही बोल सकती हैं। यू फील बैड फॉर दीज कैरेक्टर्स ना, अगर तुम देख रहे हो उनका स्ट्रगल कि किस तरीके से दो आइडियोलॉजीज को वो लोग टारगेट किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ एवरीथिंग जो भी हो कर सके वो, और फिर एंड में उनके साथ ऐसा होता है, सो ऑफ कोर्स हर किसी को ऐसा फील होता है कि क्या ही हुआ। यहाँ से तो गुजरना पॉसिबल नहीं है, क्या किया जाए फिर। हाँ हम वहाँ जा सकते हैं राइट, वेट डाल के इसको वहाँ ड्रॉप करके फिर कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा नरेट करने की इच्छा नहीं हो रही एक्चुअली, थोड़ा मूड उधर गया उसकी डेथ देख के। ऊपर चढ़ गए फिर क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करके उसको लेके आएंगे ऑब्वियसली। ओप्स बग नहीं, पहले इसको दूर रखते थोड़ा, वरना यहाँ पे ये क्या हो रहा है। ग्लिच हाँ चल हो गया गुड। हाँ एक बात बतानी थी कि लीजन, वॉच डॉग्स लीजन जो अभी लेटेस्ट गेम निकली थी लास्ट मंथ या इसी मंथ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उसका एक वीडियो डाला है तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पे उसका कार्ड डाल दूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको अगर ऐसी गेम्स पसंद हो तो आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए एक्चुअली, चैनल को सपोर्ट करिए। एंड फाइनली हम यहाँ हैं, बट हम यहाँ नहीं आना चाहिए था हमको, क्योंकि अभी हमको पहले वो अनलॉक करना है।
ठीक है, ये हमने इधर इसको सेटअप कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना, जाके इस वाली चीज़ को बाहर निकालना है। और ऐसे कौन बनाता है गेम, मतलब आई मीन एक ऐसा स्पेस स्टेशन या मून अब जहाँ पे बिना वेट के आपका दरवाज़ा नहीं खुलेगा, बड़ा वीड है यार। मतलब सपोज़ करो मेरे पास वज़ा कोई और नहीं है, वज़न नहीं है, तो खुलेगा नहीं, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। एनीवेज हमको जो चाहिए था अब हमें वो मिल रहा है। तो 5 साल में उसका इतना दिमाग नहीं लगा क्या इसमें? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय। अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ पहले, कोई वो बताएगा मुझे? ये यहीं पे रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पे रख देते हैं। यस, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, रिएक्टर तक कैसे लेके जाए उसको पहले? ओके, वापस गलती नहीं करेंगे जो हर बार। ओके, उसको यहाँ पे लाते हैं, उसके ऊपर चढ़ेंगे, फिर जाके वो केबल्स काट देंगे एंड फिर वो ट्रेन जाके गिरेगी। बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया ना। वेल, इतना भी अनप्रडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि कुछ गेम ही ख़त्म ना हो, है ना? तो उससे तो अच्छा ही है। देख के देख के देख के देख के देख के, यस। और यहाँ क्या है? ओके, वापस अगर आपको नीचे जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जोर लगा के हईशा एंड सायोनारा। वो भी नीचे आ गया अपने आप, सही है। सैड म्यूजिक एवरीवेयर। इनका कुछ रिएक्शन तो आया नहीं, रॉल्फ का, हमारे कैरेक्टर का। उनकी जो एक इच्छा थी उनके फ्रेंड को बचाने की, ऐसे मान के ही आए होंगे, इतना तो समझ ही गए होंगे कि कितना ही पॉसिबल है इतने सालों बाद किसी को बचाना एक सैटेलाइट पे, सैटेलाइट प्लैनेट पे, प्लैनेट तो नहीं है, सैटेलाइट पे। ओके, सीधा जाके उसको अटैच कर दो, ऐसा एकदम कन्वीनियंट है। अगर ट्रैम थोड़ा और आगे उसको आके ठोकता तो टूट जाता। इतना बड़ा रिएक्टर है, फ्यूजन यूज़ करेगा। ये रेडिएशन आ रहा है क्या? हाँ, रेडिएशन आ रहा है। पिलर्स के बीच में रहना पड़ेगा वरना डेथ हो जाएगी। We are going somewhere. फिर सर्कलिंग है, साथ में रहो उसके वरना रेडिएशन से ही मौत हो जाएगी। भाग मुन्ना भाग। Oops. रनिंग कर लो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। भागो 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 भागो, भागो।
हो क्या रहा है इसके साथ? ऐसा एनर्जी प्रोडक्शन होता है क्या? भागो मोहन प्यारे भागो। जान बची। क्या ही हो रहा था उस रिएक्टर के अंदर, इतनी खतरनाक। फ्रेम ड्रॉप, कुछ करना पड़ेगा मिया, नहीं तो ये तो फट जाएगा। अरे यार किस्मत ही खराब है। क्या किया अपन ने? What is this, helium 3? हम रिएक्टर के ऊपर है। ओ ओ ओ ओ ओ जल्दी 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 यार, ये टाइम टू टाइम एकदम गेम वापरे बनता जा रहा है एकदम, मतलब खतरनाक। बस बच गए, नहीं बचे भाई, ऊपर भी जाना है, जाने दो इसको। ऑक्सीजन भर ले क्योंकि इसकी इंटीग्रिटी तो कम है। भागो। ऐसे कैसे जान बचा रहा है अपनी, उसको थोड़ी बना के कि क्या है नहीं है। ओके यहाँ से मार सकते है क्या? ए यार ये सही नहीं है। ऑलमोस्ट लग गई हमें। आई गेस वी आर डेड। यस बट क्या करते, आई मीन लॉक्ड है वो। ए ए पीछा 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 गया, इतनी जल्दी मर गए। ऐसा कंस्ट्रक्ट क्यों करते हो यार, ऐसे डरपोक डरावनी चीजें। रुक जा पहले देख लो कुछ आ रहा है। हाँ आ रहा है अभी। भागो, टाइमिंग पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। हाँ 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 इसके में झुक थोड़ी सकते हैं कि बीच में खड़े रह सकते हैं, बीच में खड़े रह सकते हो। ओ देखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से हो जाए तो अच्छा है। भागो, जान बची। कर ले रिफिल कर ले, अभी वापस जाना है ऊपर एटलीस्ट अभी। ओ हेल नो, अभी जंप करना है टाइमिंग के साथ वरना वो एक रहेगा। एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे नहीं तो, इतनी स्पीड से रोटेट कर रहा है। वैसे तो उससे ज़्यादा होना चाहिए स्पीड रोटेशन, बट अच्छा है। हाँ अभी क्या चाहते हो? वो भाई साहब उसके ऊपर चल के तो नहीं जाने को बोल रहे हो कि? बाल बाल बचे, बाल बाल बचे। सीरियली ऊपर जा रहे हैं रिएक्टर के, ऑक्सीजन घट रहा है कि? अच्छा ये मटेरियल एकदम स्टफ्ड मटेरियल हमेशा रहता है। ये प्लेटफॉर्मिंग गेम बना दिया यार इसको। ओ उसमें भी ऐसे ये हद ही हो गई है। गलती हो गई। तुम्हारा तो कुछ नहीं है ना फंडा? नहीं अभी यहाँ से, यहाँ से कहाँ क्या करे? ओ वो रहा वो रहा वो रहा वेट वो बाहर। हाँ ना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी, सिंपल कुछ बना देते, सीढ़ी जैसा कुछ। नहीं है ना, नहीं चलेगा।
NPT overload. System integrity at 60%. यहां तक पहुंचने के लिए इतना करना पड़ेगा। Releasing reserves. NPT overloading. करो रॉल्फ, कुछ करो। उप्सी डुप्सी। ओवरलोड हुआ तो उसके बाद कुछ किया ठीक उसको? शोर से लगी वो, कुछ उसको कर देते ना ऐसे हैंडल को। इनकी दो मिनट में अभी ये करना है वरना ये टूट जाएगा। और ये कैसे चल रहे हैं एकदम ऐसे, शादी में गए खा पी लिया एकदम मजे से, अब वापस चल रहे हैं तो क्रैंक्स आ गए, क्या कहते क्रैम्प्स आ गए। अरे थोड़ा तेज चल ले भाई। ओहो, इनकी डेथ होने ही वाली है लग रहा है। ये क्या है? ए ए ऊपर देख ऊपर। थोड़ा थोड़ा देख भाई, अभी अभी नहीं मर सकते तुम, तुम्हें जीवित रहना होगा। नीचे 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 नीचे। अरे क्या हो रहा है इसको? क्यों हो रहा है वो? वापस आना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है इसको अभी। अरे इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या करूं? ओ पुल करना है। ओ हेल्प। फाइनली इनकी तो डेथ हो गई ना, मगर ऑलमोस्ट। ज़्यादा टाइम के लिए कैसा कनेक्शन बना के रख पाएगा ये? Who knows? सल्यूट भाई साहब, सल्यूट आपको, आपके सैक्रिफाइस को। का अभी ब्लास्ट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उधर ही। फाइनली अर्थ विल हैव पावर। वेल आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? अगर आपका इंडिविजुअल सर्वाइवल और एक स्पीशीज का सर्वाइवल है,
तो आप किसको चूज करोगे? अंत हो गया कि बाकी है? ओहो, जीवित हो? क्या फर्क पड़ता है उसने अगर उसे बचा भी लिया हो तो? जिसके लिए वो आया था वो तो उसे मिला नहीं, तो उसके लिए ये सब जरूरी नहीं है। ओह नहीं नहीं हम अभी भी मर रहे हैं, सॉरी हाँ, ऐसे ही अभी जिंदा नहीं रहने वाले। तुम्हें हीरो की तरह याद तो रखेंगे बट उसका कुछ यूज नहीं होगा। ओ ओ मरने से पहले देख लो कि आइसक का क्या हुआ था एंड। आराम से चलो, आराम से, कोई जल्दी नहीं, टाइम ही टाइम है हमारे पास। क्रायोजेनिक में डाला है उसे, जिंदा है वो? क्रायोजेनिक में स्टेबल। ओह माय गॉड, अंत भला तो सब भला। अभी इसकी जान कोई बचाओ यार, ये मरने वाला है। प्रायश्चित कर रहा है उसे अकेले छोड़ देने का। बंदी रख, कोई आएंगे फिर करना। यार ऐसा मेरे को भी चाहिए एक। ये क्यों सैड हो रहा है? दोनों एक साथ उसमें चले जाओ। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। हैट्स ऑफ टू द डेवलपर्स यार, मतलब दिस वॉज अ वेरी गुड गेम। क्यूकिन इंटरैक्टिव, हैट्स ऑफ टू यू पीपल, क्या बनाया है गेम। इट लुक्ड ग्रेट, इट फेल्ट ग्रेट, एंड इट मेड अस इमोशनल। आई होप सो, आपको भी कुछ तो कनेक्शन बना होगा। वेल आई नो आप लोग क्रेडिट्स देखने के फैन नहीं है, बट फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इस पार्ट को। Lingers.
ऐसी एक चाहिए यार, है ना। वैसे एक और चीज़ मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ऑन नवंबर 14th आई हैव अक्वायर्ड टोटल ऑफ 500 व्यूज़। तो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। मैंने ऐसे स्टोरी भी शेयर किया अपने सारे चैनल्स पे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं, अबाउट पेज में सबके लिंक्स हैं। मैंने अपना पेट्रियन चैनल भी शुरू किया है, सो मैं उसमें टीयर्स अभी तक मैंने बनाए नहीं है क्योंकि मैं आपको क्या बेनिफिट दूँ वीडियोज़ के अलावा, ये सोच रहा हूँ किस तरह के बेनिफिट्स दूँ। सो उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अपना पेट्रियन चैनल सेटअप कर दूंगा। आपको इच्छा हो, अगर आपको ऐसा लगे कि फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना हो, तो आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस रहेगी, मे बी 60 to 150 रुपीस पर मंथ। ऐसे दो टीयर्स ही बनाऊंगा, एक थोड़ा ऊपर वाला और एक मीडियम। कुछ खास हमने इतना भी कंटेंट फिलहाल तक बनाया नहीं है, टोटल 25 वीडियोज हैं हमारे, 25 हाँ शायद से कम हो, बट क्वालिटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग हमेशा एंटरटेन रहे, आपको हमेशा ये देखने की इच्छा हो। साइलेंस। रॉल्फ मैन, ओ वेट, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कितना सैड है ये सी। Who's this? Isaac या क्लेयर? कौन है ये? कैसी का रूम है ये? Vestia 3 to ground control. We found them. You were too late. Okay. So guys, ये था Deliver Us the Moon. Total 5 videos, I think. 5 videos में इस गेम का gameplay span हुआ। बहुत ही बढ़िया गेम है ये, आप experience कर सकते हैं इसका, मतलब touching story है। इसके पीछे का प्लॉट बहुत ही बढ़िया था, और जिस तरीके से इसमें कोई तरह का डायरेक्शन नहीं, कोई मतलब ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, और उसमें भी जो पजल्स थे हिडन एकदम, आपको किस तरीके से, वैसे इतना हाई लेवल नहीं था बट आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना था, कभी कौन में फंस गया। ओवरऑल इस गेम में बहुत मज़ा आया। अगर रेटिंग देनी हो सो आई विल गिव दिस अ 9। कंट्रोल्स थोड़े से मुशी थे बट स्टोरी में कोई लूपहोल नहीं था। आई वुड एक्सपेक्ट दिस गेम की ये कंप्लीट करे अपनी स्टोरी और पार्ट्स में बने, आउटवर्ड के बारे में पता चले, मैकार्थर का हुआ क्या, फिर हम मे बी सैरा का कैरेक्टर प्ले करें या क्लेयर का, आइसेक को ढूंढे, केथी के बारे में पता चले। सो ये जो कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए थे, इनके साथ ऐसा कनेक्शन बैठ गया जैसे कि क्या ही बोले अब, है ना। मतलब वी फेल्ट व्हेन सैरा डाई, वी फेल्ट व्हेन राल्फ डाई। सैरा तो नहीं मरी एक्चुअली, बच गई, बट आगे क्या होना है, दैट्स अ मिस्ट्री, राइट। So that was all from this game video series. Deliver Us the Moon is officially completed from my end. आप videos देख सकते हैं एक बार पूरा, आपको अगर storyline जानना हो तो, इसके पीछे का lore वगैरह कुछ अगर किसी ने develop किया है किसी enthusiastic internet user का, तो मैं ढूंढूंगा और आपको inform करूंगा उसके बारे में, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानना है, इस studio के बारे में जानना है, और इसके आने वाले अगले sequel की possibility के बारे में जानना है। तो एज़ ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करिए, और इनका तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे, तो आप बेल आइकन दबाइए। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे पेट्रियन पेज मेरा बना है, मैं उसका लिंक तो ड्रॉप कर दूंगा बट ऑप्शनल है वो ऑब्वियसली, आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो। और जब मेरा वीडियो मोनेटाइज होगा तब बहुत देर की बात है, बट उसमें आप ही का उसमें योगदान होगा। सो अगर आप अभी से मुझे सपोर्ट करेंगे तो बाद में अगर ये चैनल कभी जाके एक उस लेवल पे पहुंचता है जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी से मैच करता है, तो कुछ बेनिफिट्स आपको ज़रूर दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से ज़रा सोचिए, ऐसे इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म सेटअप करना है, इसे एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बनाना है,
उसके ज़्यादा कोई गोल नहीं है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी. सायोनारा. क्रिस जॉर्डन आउट.